नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे मिथुन राशि वाले जातकों के लिए 27 अगस्त गुरुवार का दिन कैसा रहेगा, इनके व्यापार, व्यवसाय, करियर, लव लाइफ और इनके स्वास्थ्य के बारे में आपको बताएंगे। कौन से क्षेत्रों में इनको सतर्क सावधान रहने की जरूरत रहेगी, किन क्षेत्रों से इनको काम करने से ज्यादा सफलता मिल सकता है, इनका लकी कलर लकी नंबर कौन सा रहने वाला है और इनको कौन सी सावधानी बरतनी होंगे, इनके जीवन में कौन सी खुशियां दस्तक दे सकते हैं और कौन से क्षेत्रों में इनको सावधान शत्रु को संभल कर रहने की जरूरत रहेगी। आपको बताएंगे आपके जीवन में किस प्रकार से आपके व्यापार, व्यवसाय, करियर में जो भी दुख तकलीफें, संकट, समस्याएं या जो भी रुकावटें चली आ रही हैं उनको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है और किस प्रकार से आप अपने सभी कार्य को अपने इच्छा के अनुसार समय से पूरा कर सकते हैं। आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। तो मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन काफी शानदार रहने वाला है। आज के दिन आप अपने संचार क्षमता आज सर्वकालिक उच्च स्तर पर होंगी और किसी भी नए उद्योगों के लिए एक अच्छा समय रहने वाला है। आपके वाक्य क्षमता अर्थात बोलने चालने का डिजाइन आपके जीवन में आपको सफलता सूचक होंगे। आज आप अधिकांश उपक्रमों को सफलतापूर्वक प्रबंधन कर पाएंगे। आपके पास नए अधिग्रहण हो सकते हैं जो आपके जीवन शैली में सुधार कर सकता है। आपका पारिवारिक जीवन भी थोड़ा सा समस्याग्रस्त हो सकता है और आप थोड़े दुखी हो सकते हैं। ऐसे में पारिवारिक समस्याओं को दूर करने की अवश्य कोशिश करें। अपने बच्चों के कारण आप थोड़े चिंतित रह सकते हैं। इन सभी समस्याओं के बीच आपका जीवन साथी बहुत स्नेही और प्यार करने वाला होगा जो आपको तनाव से उबारने के लिए नैतिक समर्थन भी प्रदान कर सकता है। आपके जीवन में आपको खुशियां दे सकता है और तरह तरह के काम काजों को पूरा करने की आप कोशिश कर सकते हैं। आज आप व्यवसायिक रूप से बहुत ही सफल होंगे और आपका नाम और प्रसिद्धि भी व्यापक होंगी। आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं और आपका आत्मविश्वास भी काफी बढ़ जाएगा। आप अपने वरिष्ठों और सहकर्मियों का ध्यान सामान्य रूप से अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, अपनी ओर खींच सकते हैं। प्राधिकरण और रैंकिंग के व्यक्ति आपके पक्ष में होंगे तथा आपका सपोर्ट कर सकते हैं। आप एक उच्च जिम्मेदार पद पर आसीन होंगे। आपके जीवन में थोड़ा सा जिम्मेदारी का बोझ बढ़ सकता है। आप अपने जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। आपकी आमदनी बढ़ेगी जबकि आपके खर्चों में काफी कटौती होने वाला है। आपका पारिवारिक जीवन भी आनंद में रहेंगे। आपके बच्चे आपके लिए गर्व का और खुशी का स्रोत बन सकते हैं। मित्रों, मिथुन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि ये अवधि मिश्रित अवधि होंगी। इसमें आप थोड़े से चिंतित हो सकते हैं। आप अनावश्यक जटिलताओं में फंस सकते हैं और चल रही परियोजनाओं में बाधाओं का, समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वित्तीय मुद्दों को हल करने के लिए कुछ समय लग सकते हैं। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अच्छे से सोच लें, फिर आपको कठिनाइयों से छुटकारा दिलाने में मददगार साबित होंगी। पारिवारिक जीवन भी सामंजस्यपूर्ण रहेंगे। आप बड़े उत्साह के साथ पारिवारिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। कुछ यात्राएं हो सकते हैं जो कि लाभदायक होंगी। पारिवारिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा। आज पारिवारिक जीवन में कई प्रकार के सुख साधनों की प्राप्ति भी आप आसानी से कर सकते हैं। आप अपने माता पिता के साथ व्यवसायिक मतभेद को दूर कर सकते हैं। माता पिता आपके हर क्षेत्र में आपको सपोर्ट कर सकता है। प्रेम संबंधों के लिए समय काफी शुभ है। नौकरी पेशा वाले जातकों को कठिन परिश्रम से अपने वरिष्ठों को संतुष्ट करने में काफी सफलता हासिल होंगी। नौकरी पेशा वाले जातकों का सहयोग भी आपको अवश्य हासिल होंगे। यदि आप अपना दृष्टिकोण बदल लें और ईमानदारी से काम करें तो आने वाले दिनों में आपकी रैंक, प्रारंभिक और लोकप्रियता बढ़ेंगी। आपको प्रमोशन भी आसानी से प्राप्त हो सकता है। आप कुछ नवीन शौक को विकसित कर सकते हैं और जो कि आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। ऐसे में आप अपने जेब को हल करने की अवश्य कोशिश करें तथा आप अपने जो भी आपके शौक अपने विकसित किया है उनको भी दूर करने की अवश्य कोशिश करें। आज आप में से कुछ
कुछ लोगों को आर्थिक एवं व्यापारिक रूप से लाभदायक यात्राएं करनी हो सकती हैं। आपके लिए यह सुखद अनुभव रहेंगे। आत्मविश्वास एवं स्फूर्ति से परिपूर्ण आपका अच्छा मुनाफा भी कमा सकोगे। आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाए रखने की अवश्य कोशिश करें। पारिवारिक परिवेश में तनावपूर्ण स्थितियों के चलते पारिवारिक सदस्य भी आपकी सफलता का पूर्ण आनंद ले पाने में असक्षम हो सकते हैं। प्रेमियों को प्रेम संबंधों में आई गलत प्रेमियों का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, इस समय मित्र आपका सपोर्ट करेंगे और आपके रुके पड़े कार्यों को पूरा कर सकते हैं। मित्रों, चल रही परियोजनाएं और कार्यों में भी आपको कई प्रकार के सुख और साधनों की प्राप्ति होंगे। आपके सभी काम काज सही समय पर समय पूरे होंगे। किसी भी बहसबाजी या टकराव से बचने की अवश्य कोशिश करें। निवेश को स्थगित करना सबसे अच्छे होंगे। किसी भी संपत्ति के सौदे को अंतिम रूप देने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। शुभ चिंतकों और दोस्तों का समर्थन भी आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। आपको समय समय पर अच्छी सलाह भी अवश्य प्राप्त होंगे और कुछ स्वास्थ्य का मुद्दा भी अचानक से उठ सकता है। शादीशुदा जिंदगी भी काफी अच्छी होंगे। व्यापारिक संदर्भ में रुके कार्य को पूर्ण कर सकते हैं और अपनी एक अलग गति प्रदान कर सकते हैं। नौकरी पेशा वाले नौकरी की तलाश करने वाले लोगों को जल्दी ही सफलता हासिल होंगे। आप नौकरी की प्राप्ति कर सकते हैं। आज आप में से कुछ लोगों को वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इससे निपटने के लिए आपको पहले से ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत रहेगी और नई रणनीतियों को बनाने के लिए आवश्यक कदम भी उठाने होंगे। आपका स्वास्थ्य भी काफी अच्छा रहेगा, लेकिन तनावों से दूर रहें। प्रेमी भी अपने साथी के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। आपको अचानक काम से संबंधित यात्राओं पर जाना पड़ सकता है। व्यवसाय व्यापार में नवीन विचारों के कारण अंतिम मिनट में बदलाव किए जा सकते हैं। आज आप लगातार यात्राओं और प्रतिबद्धताओं से घिरे रहेंगे, लेकिन अपने आप को तनाव न दें। आप परिवार और व्यापार में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करेंगे। साथ ही समाज में आपकी भूमिका, रिश्तेदारों के शादी के लिए सहायता या अन्य गपशप भी आपको सामाजिक रूप से सक्रिय बनाए रखने में सहायता कर सकते हैं। छोटे भाई बहनों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। काम में आने वाली बाधाएं, कठिनाइयों के बारे में ज्यादा चिंता किए बिना आप सामान्य गति से चलते रहें, यही आपको जीवन में सफलता दिला सकता है। थोड़ा सा चतुराई आपके लिए बेहतर परिणाम दे सकता है। जहां तक करीबी लोगों से लंबित बकाया की वसूली का संबंध है, तो इस संदर्भ में आप भाग्यशाली साबित होंगे तथा आप अपने किराएदारों से किराया वसूल कर सकते हैं और अपने जीवन में सुनहरे अवसरों की प्राप्ति कर सकते हैं तथा आपके रुके पड़े कार्य भी अवश्य पूरे होंगे और आपको बकाया राशि भी मिल सकता है। आप बड़े सौदे को अंतिम रूप दे सकते हैं। आप अपने निकट और प्रिय लोगों के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। आप अपने के साथ कुछ यादगार क्षणों का आनंद ले सकते हैं जो एक यांत्रिक दिनचर्या को एक रक्षक तोड़ने में मदद कर सकते हैं और आपको सफलता दिलाने में आपकी सहायता भी अवश्य कर सकते हैं। मित्रों, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन काफी शुभ है, काफी जिम्मेदारियों वाला हो सकता है और आपके सभी कार्य भी अवश्य ही पूरे होने वाले हैं। आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय मां बिंदुवासिनी।